नाक के नीचे के बाल मर्द औरत ने कहां से लेकर कहां तक साफ बाल साफ करना जरूरी है, कौन सी चीजों से मर्द औरत साफ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो गैर जरूरी बाल साफ करने के बारे में है, मोए ज़ेरे नाफ साफ करने के बारे में। इसमें हम तीन चीज़ें सुनेंगे। पहली चीज़ ये सुनेंगे कि मोए ज़ेरे नाफ कहाँ से लेकर कहाँ तक साफ करना जरूरी है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। दूसरी बात हम इस वीडियो में ये सुनेंगे कि मोए ज़ेरे नाफ साफ करने के दिन की मकदार कितनी है, कितने दिनों बाद साफ करना ज़रूरी है और कितने दिनों के बाद गुनाह होगा। और तीसरी चीज़ हम इस वीडियो में ये सुनेंगे कि इनको साफ करने के लिए मर्द के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना दुरुस्त और जायज़ है और औरत कौन कौन सी चीज़ों से इनको साफ कर सकती है, उतार सकती है। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली ये बात सुन लेते हैं कि मोए ज़ेरे नाफ की हद कहाँ से कहाँ तक है, मर्द के लिए और औरत के लिए। इसमें आप एक मेन चीज़ ऊपर से नीचे को बताऊंगा कि ऊपर से नाफ के नीचे से कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक साफ़ करना ज़रूरी है। अगर कोई लफ्ज़ गैर मुनासिब लगे तो उसके लिए मैं सबसे पहले ही माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि टॉपिक और मौजू भी ऐसा है और ये वाली बातें हो सकते हैं बहुत सारे लोगों को इतनी तफसील के साथ पता ना हो, तो मैं ये बताने की जरूरत और कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो कोई लफ्ज़ अगर गैर मुनासिब हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इसका आगाज़ जो नाफ़ के नीचे से है, तो बिल्कुल नाफ़ के नीचे से साफ़ करना ज़रूरी और लाजिम नहीं है। असल इसकी हद ये है कि नाफ़ के नीचे से जहाँ पेट ख़त्म होता है वहाँ एक हड्डी है। हो सकता है कि बास के गोश्त ज़्यादा हो तो उनको महसूस ना हो, पता ना चले, लेकिन आप महसूस करेंगे या हाथ लगा के देखेंगे तो वहाँ पर एक हड्डी होगी। जहाँ पेट ख़त्म होता है वहाँ पर एक हड्डी है, उससे इसकी हद का आगाज़ होता है। अगर किसी को इस तरह पता ना चले तो जैसे चार जानू बैठते हैं, यानी पिछला हिस्सा अपने बदन का ज़मीन पे लगा के चार जानू जैसे बैठा जाता है, तो घुटनों को अगर खड़ा कर दें तो यहाँ पर जो नाफ के नीचे एक बल पड़ता है जिस जगह पर, वहाँ से बाल उतारने का आगाज़ होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए आसानी के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर हड्डी से पता ना चले कि हड्डी कहाँ से शुरू हो रही है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब यूँ इस तरह बैठें, घुटनों को खड़े करके ज़मीन पर बैठें, तो ऐसी सूरत में जिस जगह पर बल पड़ता है वो इसकी हद है ऊपर से। बाकी अगर किसी को इस तरह फिर भी समझ ना आए कि बल कहाँ पर पड़ता है, कैसे पड़ता है, तो फिर वो नाफ़ के नीचे से भी साफ़ कर ले, ये भी दुरुस्त है। यानी नाफ़ के नीचे से मुकम्मल जिस तरह बाल हैं वहाँ से साफ़ करने का आगाज़ कर ले, इब्तिदा कर ले, तो ये भी दुरुस्त है, यहाँ से साफ़ कर सकते हैं। अब इससे नीचे जब जाना है तो नीचे वाले हिस्से में जो भी शर्मगाह वाले मकाम हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आगे पीछे हर जगह से जितने भी बाल हैं उन सब को साफ़ करना है। इसी तरह पेशाब खाना दोनों जगहों पर, यानी कि पेशाब वाले इर्द गिर्द जगहों पे, पेशाब वाला जो मकाम है उसके आगे पीछे इर्द गिर्द वाले मकाम में जितने बाल हैं वो सारे साफ़ करना ज़रूरी है। इसी तरह जो पाखाने वाला मकाम है, बड़े पेशाब वाला मकाम, उस पर भी जो बाल हैं तो उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि अगर पेशाब पखाना वगैरह वाला मामला होगा तो जो नजासत और गंदगी होगी वो बालों पर लग जाती है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि वो सही तरह से इस्तंजा करते वक्त वो बालों से नजासत ना निकले, कपड़ों पे लग जाए, तो इस तरह और नापाकी वाले मामलात होने का खदशा होता है। तो इस वजह से बड़े पेशाब वाली जगह पर भी जो बाल हों या उसके दाएं बाएं इर्द गिर्द जहाँ जहाँ तक नजासत लगने का आपको लगता है कि यहाँ यहाँ तक नजासत लग सकती है, इर्द गिर्द से वो सारे बाल आपने साफ़ करने हैं, मर्द ने भी और औरत ने भी, दोनों का समझ आ गया होगा। बाकी रानों से जो टांगें होती हैं जिनको पट बोलते हैं पंजाबी में, उनके भी इर्द गिर्द जो करीब करीब बाल हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर नजासत लग सकती है, यहाँ पर इस तरह के कोई छींटे लग सकते हैं, यूं भी जो मामलात हैं इर्द गिर्द से करीब करीब, उनसे भी बाल आप उतारना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इसमें से अगर किसी को कोई समझ ना आए तो वो कमेंट में पूछ सकता है, कोई बात समझ अगर ना आए तो मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है, इसको दोबारा सुन लीजिएगा अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह मैंने सब कुछ बता दिया है, समझ आपको आ जाएगी, तवज्जो से सुनेंगे। तो दूसरी बात इसमें यह कि इसको साफ़ करने के दिन की हद क्या है, कि कितने दिन में साफ़ करना ज़रूरी है। तो मर्द औरत दोनों के लिए बेहतर ये है कि वो हर जुमे इस तरह इसको साफ़ कर लिया करिए, यानी हफ्ते बाद इसको साफ़ कर लिया करिए, बेहतर है। वरना अगर हर हफ्ते कोई साफ़ नहीं करता तो एक हफ़्ता छोड़ के, मतलब कि दो हफ्तों बाद साफ़ करना ये भी जायज़ है, तीन हफ्तों बाद साफ़ करते हैं ये भी जायज़ है, चार हफ्तों बाद साफ़ करते हैं तो भी जायज़ है, हत्ता कि पाँच हफ्तों बाद भी साफ़ करते हैं तो भी जायज़ है। अगर कोई तीन हफ्तों बाद, चार हफ्तों बाद, पाँच हफ्तों बाद साफ़ नहीं करता तो 40 दिन से पहले पहले साफ़ करना लाजमी और ज़रूरी है। 40 दिन से अगर ज़्यादा हो गए तो गुनाहगार होंगे, जिसको मकरूह तहरीमी कहा जाता है। तो ये हद होगी, 40 दिन से पहले पहले साफ़ करना ज़रूरी है। उससे पहले पहले आप हफ्ते बाद कर लें, दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद, चार हफ्ते बाद, पाँच हफ्ते बाद, जब भी आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये चीज़ भी हो गई मर्द औरत दोनों के लिए। और बगलों के बाल का भी यही हुक्म है, मर्द औरत दोनों के लिए।
कि उसमें भी 40 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 40 दिन से पहले पहले जब मर्जी उसको साफ़ कर लें। दूसरी बात यह कि मर्द किससे साफ़ करेगा और औरत किससे गैर ज़रूरी बालों को साफ़ करेगी, उतारेगी। मर्द के लिए उस तरह ब्लेड या इस तरह की कोई और चीज़ मशीन वगैरह इस्तेमाल कर ले तो ये बिल्कुल जायज़ है, इससे साफ़ कर ले। पाउडर इस्तेमाल करना चाहे मर्द वो भी इस्तेमाल कर सकता है, क्रीम इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मर्द के लिए बेहतर यह है कि वो उस तरह ब्लेड या इस तरह की चीज़ से साफ़ करे, ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। और औरत की चूँकि जिल्द नाजुक होती है, नरम होती है, तो ब्लेड या उस तरह से उसको नुकसान पहुँच सकता है, तो औरत के लिए बेहतर यह है कि वो पाउडर या क्रीम का इस्तेमाल करें, उससे बाल उतारें। लेकिन अगर कोई औरत ब्लेड से, उस तरह से या इस तरह की किसी चीज़ से इस्तेमाल करके उसको उतार लेती है, साफ़ कर लेती है, तो भी वो गुनाहगार नहीं होगी, उसके लिए जायज़ है। मैं बेहतर या गैर बेहतर की बात बता रहा हूँ कि औरत के लिए बेहतर क्रीम या पाउडर है, बाकी वो किसी और चीज़ से भी जिससे मर्जी उसको साफ़ करना मुमकिन हो साफ़ कर लेती है। असल चीज़ साफ़ करना है, वो जिस भी चीज़ से साफ़ कर ले, साफ़ होने चाहिए, बाल उतरने चाहिए, उसके लिए जायज़ होगा। मर्द के लिए भी यही हुक्म है कि जिस भी चीज़ से उतारता है, बाल साफ़ करता है, असल चीज़ यह है कि बाल उतरने चाहिए, बाल साफ़ होने चाहिए। बाल उतर गए तो जो काम था, मकसद था बाल उतारना, वो पूरा हो गया। वो जिस भी चीज़ से, तो मर्द औरत चाहे जिस भी चीज़ से साफ़ करें, ये उनके लिए जायज़ है। बाकी बेहतर मैंने बता दिया, मर्द के लिए उस तरह ब्लेड इस तरह की चीज़ से वो करें, और औरत के लिए बेहतर यह है कि पाउडर या क्रीम से इस्तेमाल करके बालों को साफ़ करें। उम्मीद है आपको तीनों बातें समझ आ गई होंगी। जो इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।